Hello friends, in this video segment we will discuss about the life cycle of pteridophytes. General characteristics pteridophytes ke humne iske previous segment mein dekha tha. Is video segment mein hum log life cycle of pteridophytes ko discuss karenge. To aaiye dekhte hain life cycle of homosporous pteridophytes. To heterosporous condition bhi milti hai और pteridophytes में homosporous conditions में मिलती हैं। कुछ species इसकी, most of the species are homosporous, जहाँ पे spores एक ही तरह के हैं, दो अलग-अलग तरह के spores नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे भी example हैं जिसको हमने देखा था, like Selaginella and Salvinia have the heterosporous condition। तो Selaginella और Salvinia में दो अलग-अलग तरह के spores मिलते हैं। तो इन दोनों को हम लोग अलग-अलग discuss करेंगे। पहले हम लोग most of the cases में जो pteridophytes में homosporous life cycle मिलती है उसको देखेंगे. तो आइए देखते हैं sporophyte is independent. यहाँ पे pteridophytes में sporophyte is the main plant body, have two stem, two roots, two leaves मिलते हैं और ये पूरी तरह से independent है और ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको दिखेंगे. ठीक है, तो इट इज अ डिप्लॉयड स्टेज, ये जो है 2L स्टेज में होता है. स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोरोफिल, स्पोरोफाइट स्पोरोफिल को प्रोड्यूस करता है. स्पोरोफिल प्रोड्यूस स्पोर मदर सेल या सॉरी स्पोरेंजिया. तो स्पोरोफिल भी डिप्लॉयड है, स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड है. स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजिया के द्वारा स्पोर मदर सेल बनता है. स्पोर मदर सेल की मियोसिस होगी और बाय द मियोसिस द हैप्लॉयड स्पोर्स आर फॉर्म्ड. तो मियोसिस के द्वारा हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं. तो यहां पे आपको देखिए हैप्लॉयड स्पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको हैप्लॉयड स्पोर यहां पे दिख रहे हैं. ओके, दीज हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म्स द गैमेटोफाइट आर प्रोथैलस कंडीशन. pteridophyte में ये जो prothallus है या gametophyte है, इसको हम लोग prothallus कहते हैं. It is independent, ये independent है but recessive है. ठीक है, the sporophyte is dominant but the gametophyte is recessive. But in the case of bryophyta में हमने देखा था कि sporophyte dependent था gametophyte पर, gametophyte पूरी तरह से independent था और वो डोमिनेंट था. यहां पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, खुद अपना भोजन बना सकता है, खुद पे डिपेंड कर सकता है, मतलब अपने आप में ही परफेक्ट है, लेकिन रिसेसिव है. ओके, देन प्रोथैलस इज आइदर मोनोसिस और डायसिस. इट प्रोड्यूस मेल सेक्स ऑर्गन एमएसओ जो लिखा हुआ है, that is anthridia, and FSO female sex organ, that is archegonia. तो female sex organ pteridophytes में भी archegonia होता है और male sex organ anthridia होता है. Female sex organ is flask shaped, ये flask shaped है. The neck contains two number of neck canal cell, neck में दो canal cell हैं. Ventral region में ventral canal cell present है और यहाँ पे सबसे नीचे एक प्रेजेंट है, दैट एग इज हैप्लॉयड. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्चिगोनिया का ये स्ट्रक्चर है जो कि फ्लास्क शेप है. मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडिया प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइट, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइट को प्रोड्यूस करता है. इट इज स्पाइरल इन शेप. डिफरेंस ब्रायोफाइट से क्या है, ब्रायोफाइट्स में आपको कॉमा शेप मिल रहा था और बाइफ्लैजेलेट था. यहाँ पे जो एंथ्रोजॉइट है ये स्पाइरल शेप है एंड मल्टीफ्लेजलेट या मल्टीसिलिएट कहते हैं इसको, मल्टीपल होंगे नॉट टू. तो ये डिफरेंस है बायोफाइट से pteridophyte के एंथ्रोजॉइट में. ये जो pteridophyte का एंथ्रोजॉइट है वो यहां पर पहुंचेगा, इट मूव्स टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया एंड वाटर इज रिक्वायर्ड. इसके मूवमेंट के लिए वाटर रिक्वायर्ड है. तो ये यहां पर देखिए जाएगा अंदर और इस नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल को डिफ्यूज कर देगा. दे प्रोड्यूस
जेल लाइक स्ट्रक्चर, जिलेटिन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे डिफ्यूज होकर, और उसके बाद एग से फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेगा ये एंथ्रोजॉइड एग के साथ, इनको डिफ्यूज करेगा और एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। बाय द फर्टिलाइजेशन इट प्रोड्यूस अ 2n जाइगोट, अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो डिप्लॉयड स्टेज में पहला स्टेज क्या है, डिप्लॉयड जाइगोट, आखिरी स्टेज क्या है, स्पोर मदर सेल। तो यहां देखिए जाइगोट बन गया, जाइगोट फर्दर मल्टीप्लीकेशन से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, माइटोसिस होगी, माइटोसिस प्रोसेस होगी, माइटोसिस के द्वारा इम्ब्रियो बनेगा और इम्ब्रियो फॉर्म स्पोरोफाइट, और इम्ब्रियो स्पोरोफाइट बना दी। मोस्ट ऑफ द प्टेरिडोफाइट्स में ये होमोस्पोरस लाइफ साइकिल पाई जाती है। दिस लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लोहैप्लॉन्टिक, आपकी बुक में हैप्लो डिप्लॉन्टिक लिखा हुआ, लेकिन हम लोग जो डोमिनेंट होता है उसके शुरू करते हैं तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड स्टेज इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है इसलिए, और मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है इसलिए इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्टेरिडोफाइट्स फॉलो द होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, या होमोस्पोरस प्टेरिडोफाइट्स में इस तरह की लाइफ साइकिल आपको मिलती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोस्पोरस एंड हेटरोस्पोरस? हेटरोस्पोरस का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो यहां पे भी देखिए क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड स्टेज है, इट फॉर्म्स स्पोरोफिल, इट फॉर्म्स स्पोरेंजिया ऑफ टू टाइप्स, दो अलग अलग तरह की स्पोरेंजिया बनाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया। जबकि जो आप होमोस्पोरस पढ़ रहे थे उसमें एक ही स्पोरेंजिया बन रही थी, that is deployed in stages, but in the case of heterosporous condition sporophyll produce two type of sporangia, microsporangia and megasporangia. Microsporangia produce microspore mother cell, microsporangia produce microspore mother cell, and by the meiosis it produce microspore, ye chote hain microspores hain, तो मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होगा एंड दिस माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट, और ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। मेल गैमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रोजॉइट प्रोड्यूस करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रोजॉइट प्रोड्यूस करेगा। आइए मेगा स्पोरेंजिया की तरफ से देख लेते हैं। मेगा स्पोरेंजिया में यहां पे देखिए मेगा स्पोर मदर सेल बन गया, दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड कंडीशन, मियोसिस हुई, मेगा स्पोर बन गए, देन दीज मेगा स्पोर प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है इन द केस ऑफ साल्वेनिया एंड सिलेजिनिया, जहां पे हेटरोस्पोरस लाइफ साइकिल या हेटरोस्पोरस कंडीशन होता है वहां पर मेगास्पोर फीमेल बनाता है और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो दो अलग अलग तरह के गैमेटोफाइट बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट एज वेल एज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट हैव द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया, दिस इज ऑल्सो अ फ्लास्क शेप्ड, टू नेक कैनाल सेल, वन वेंट्रल कैनाल सेल एंड वन एग, that is haploid in stages, anthrozoid moves towards the egg and the process is called judiogamy, is process ko judiogamy kehte hain, then fertilization takes place, zygote is formed, that is diploid stage, zygote se embryo banega aur embryo naye sporophyte ka formation karega. So this is the life cycle of pteridophytes. होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस में डिफरेंस क्या था, वो इंपॉर्टेंट है कि होमोस्पोरस में स्पोरोफिल स्पोरेंजिया बनाता है जबकि हेटरोस्पोरस में स्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बनाता है। मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगा और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जबकि माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, ये यहां पे वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर रिक्वायर्ड है
और ये मूव करता है जूडियोग्रामी प्रोसेस के द्वारा नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल को डिफ्यूज करेगा और एक के साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ ओओगैमिक कंडीशन, ये ओओगैमिक कंडीशन है, मेल इज शॉर्टर फीमेल इज लार्जर, है ना, स्टैटिक भी है। तो यहां पे ये मूव करके जाता है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओओगैमी, ये ओओगैमी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्टेरिडोफाइट में किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है तो वो ओओगैमी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्टेरिडोफाइट्स, होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस, इन दोनों को उन्होंने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा इसको देख सकते हैं, रोक सकते हैं, जहां नहीं समझ में आया वहां समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस इन द लास्ट एग्जाम्पल साल्विनिया और सिलेजिनेला, थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड इट्स माई रिक्वेस्ट शेयर इट टू द नीडफुल एस्पिरेंट्स, जितना हो सके इसको शेयर करें। धन्यवाद।